चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। आप इसे चाइल्ड डेवलपमेंट का एक क्विक रिवीजन वीडियो भी मान सकते हैं। हम इसमें स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, मोटर स्किल डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के 2 स्टेजेस होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस होते हैं। किंतु हम CDP पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 स्टेज के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्स्ट इज प्रीनेटल गर्भावस्था, सेकेंड इज इन्फेंसी शैशवावस्था, थर्ड इज चाइल्डहुड बाल्यावस्था, फोर्थ इज एडोलसेंस किशोरावस्था। प्रीनेटल गर्भावस्था, इसका जो टाइम पीरियड होता है वह गर्भाधान से लेकर जन्म लेने तक का समय होता है। यदि मंथ में देखा जाए तो 9 मंथ 10 डेज, वीक में देखा जाए तो 40 और डेज में देखा जाए तो 280। इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था, ये बर्थ से 2 ईयर्स तक का होता है, जन्म लेने के 2 साल तक का। यह इस स्टेज में बच्चा चलना भी प्रारंभ कर देता है और कुछ शब्दों का वर्णों का प्रयोग करना भी शुरू कर देता है। चाइल्डहुड बाल्यावस्था, इसका जो टाइम पीरियड होता है वह 2 ईयर्स से 12 ईयर्स तक का होता है। हर लोग ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पहला है पूर्व बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर होता है, और सेकेंड इज उत्तर बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड 6 to 12 ईयर्स होता है। चूंकि ये पूर्व बाल्यावस्था का जो स्टेज 2 ईयर से 6 ईयर का है, तो इसमें बच्चे स्कूल से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, जब स्कूल नहीं जा रहा होता उससे पहले, इसलिए इसमें प्री स्कूल एज कहते हैं। और इसको प्री गेंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि वह स्कूल में उस समय दाखिला नहीं लिया होता है, इसलिए यह गेंग एज का से पहले वाला समय होता है, जिसे हम प्री गेंग एज कहा जाता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 2 to 6 ईयर है। अब पोस्ट चाइल्डहुड का, इसका जो टाइम पीरियड है वह 6 to 12 ईयर्स है। इसमें बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे स्कूल एज कहते हैं और गैंग एज कहते हैं, क्योंकि वह स्कूल में जाने के बाद उसकी बहुत सारी मंडली दोस्त बनने लगते हैं, इसकी गैंग बनने लगती है बहुत सारी, इसलिए इसे गैंग एज कहा जाता है। गैंग से मतलब है यहाँ पे बहुत सारे दोस्त इसे मिलने लगते हैं, अलग अलग परिवेश से माहौल से आने वाले दोस्त हैं, जो स्कूल में आने पर वह बहुत सारे अलग अलग वातावरण से आए हुए बच्चों के साथ मिलता है, वह दोस्ती बनाता है, उसके फ्रेंड बनते हैं, इसलिए इसे गैंग एज कहा गया है। इसी समय बच्चे का सामाजिक विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि आप जानते हैं जब स्कूल में जाता है तो बच्चा बहुत सारे माहौल के से आने वाले बच्चों के साथ मिलता है, इसलिए उसका सामाजिक विकास यहाँ पे तेजी से देखी जाती है। एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस किशोरावस्था, इसका टाइम पीरियड 12 साल से 18 साल तक का होता है। इस एज के बच्चों को टीन एज, स्वर्ण काल, तूफान काल की अवस्था भी कहा जाता है, वह इसलिए क्योंकि इसी एज के समय बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे तूफान काल की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे आपको हार्मोन्स चेंज होने से वॉइस में एडन सैंपल, उनकी आवाज में भारीपन आपको देखने को मिल सकता है। इसी समय प्रजनन जनन अंग का विकास होता है, परिपक्वता आती है, इसलिए इसे स्वर्ण काल और तूफान की अवस्था कहते हैं। डेवलपमेंट विकास की दिशा, किसी भी बच्चे की जब आप विकास जो होती है वह किस दिशा में होती है, वह 2 दिशा में होती है। एक पहला इस जो दिशा होता है उसका सिर से लेकर पैर तक का एक दिशा हो गया, जिसे हम सेफेलोकोडल डेवलपमेंट कहते हैं, और दूसरा एक दिशा होता है जो हृदय से लेकर उसके हैंड हाथ तक जाता है, जिसे प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट कहा जाता है। आप देखे होंगे कि जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने सिर को कंट्रोल करता है, उसके बाद वो बैक को कंट्रोल करता है, उसके बाद पैर को कंट्रोल करता है, तभी वह चल पाता है। जो ये एग्जाम्पल है वह कंट्रोल करने की, ये सारे सिर, फिर बैक, फिर अपने पैर को, ये सेफेलोकोडल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल है। इसलिए लिखा गया है सिर से पैर तक का जो डेवलपमेंट होता है वह सेफेलोकोडल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है।
किंतु सिर से पैर तक ही हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, हमारा हृदय से लेकर हैंड तक का भी डेवलपमेंट होता है, जिसे प्रॉक्सीमोटर डेवलपमेंट अधोगामी विकास कहा जाता है, जिसमें जो हृदय के पास में जो मसल्स है उसका विकास पहले होता है और जो हृदय से दूर है उनका विकास बाद में होता है। इसलिए सबसे पहले शोल्डर, फिर उसके बाद आपका एल्बो, फिर उसके बाद रिस्ट, फिर फिंगर। इसलिए इसमें लिखा गया है अंदर से बाहर की ओर, हृदय से बाहर की ओर इसका विकास होता है। हम ये समझे कि हमारा जो विकास होता है वह दो दिशा में होता है, एक सेफेलोकोडल में और एक प्रॉक्सीमोडल में। सेफेलोकोडल में हमारा सिर से लेकर पैर तक और प्रॉक्सीमोडल में हमारे हृदय से लेकर हैंड तक का, यह हमारे विकास की दिशा है। चालक कौशल विकास, मतलब आपके कौशल कैसे विकास होते हैं, आपके जो स्किल होते हैं वह का इसका विकास कैसे होता है। इस दो रूप में होता है, ग्रॉस मोटर स्किल आप परिष्कृत या स्थूल भी कहते हैं, और दूसरा है फाइन मोटर स्किल, इसे परिष्कृत या सूक्ष्म कहा जाता है। सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है, उसके बाद स्मॉल जो मसल्स हैं मूवमेंट उसका होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप किसी भी बच्चे से कहोगे कि उसे पेन मुझे लाके दो, तो पेन यदि छोटा है फिर भी वह दोनों हाथों के माध्यम से, दोनों हाथ इट मीन्स इसका बिगर मसल का उपयोग करता है उस पेन को देने के लिए, क्योंकि उस समय उसके पास जो मसल्स होते हैं वह इतने छोटे मसल डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसलिए सबसे पहले वह दोनों हाथ का प्रयोग करके पेन को लाके आपके पास देता है। उसके बाद जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो फाइन मोटर डेवलप हो जाते हैं, मोटर स्किल डेवलप हो जाते हैं, तो वह पेन यदि हल्का है तो वह उंगलियों से आपको दे सकता है। इसलिए कहा गया है कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होते हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। जो बड़े ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप, जैसे हाथ पैर ये बड़े बड़े मसल्स हैं, इनका डेवलप पहले होता है, फिर बाद में छोटे छोटे मसलों का डेवलपमेंट होता है, जैसे फिंगर्स वगैरह। आप कोई बच्चा लिखता है तो आप देखो कि उसके पूरे हाथ में पकड़ता है पेन को लिखते समय, बाद में जब उसका फाइन मोटर डेवलप हो जाता है तो वह उंगलियों के माध्यम से पेन को अच्छे से पकड़ के लिख पाता है।